जयराम जी की दोस्तों, और आज है भाई दोज पे टीका होने की तैयारी चल रही है यहाँ पे। हाँ किसी की शादी में कोई रो रहा है, कुछ रोने वाले भी देखकर तो वाले वही रहो, बच्चे सब वही है ना। बोलो। तो यहाँ पर हमारी दीदी बारी बारी से सबका टीका करेंगी, मतलब पहले सबसे बड़े भाई साहब भाभी, उसके बाद बीच वाले भाई साहब भाभी, उसके बाद हमारी बारी, फिर बच्चों के नंबर आएंगे। तो लाइन टू लाइन ऐसे ही आप लोगों को आज ये भाई दूज का ब्लॉग मिलने वाला है, तो देखते जाओ आगे। सबके आज टीके ही हैं यार, आज मतलब ऑब्वियसली भाई दूज है तो सिर्फ टीके 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 टीके, कोरोना वैक्सीन के नहीं भाई दूज के। तो अब नेक्स्ट आ गए हैं बीच वाले भाई साहब भाभी, बैठ गए वो हो बैठ गया उसके तो भाई साहब भाभी का टीका होगा। अगले साल दीदी, अगले साल चार जने ही करेंगे। हाँ अगले साल चार जने करेंगे, सही कह रही हो आप। हाँ अगले साल चार जने करेंगे दीदी। हाँ देखो, ये देखो एडवांस में आ गए, एक पूजा एक एडवांस में आ गया गोला पूजा करी। हाँ पक्का। हाँ हाँ वो वाला आ रहा है, वो तो रखा मैंने मेरे पास, पहले भी नहीं लेकर। मैं ताई जी का नहीं, इधर पियेंगी ताई जी का नहीं, इधर पियेंगी।
तो बड़े बड़े सारे लोग टीका करवा के निपट चुके हैं, अब आ गई बच्चों की बारी। तो पहले सबसे बड़े बच्चे, उसके बाद उससे छोटे और उसके बाद उससे छोटे। तो दोज का दिन बढ़िया जाने वाला है और बढ़िया जा रहा है, बड़े मज़े आ रहे हैं। नमस्ते, बाप बेटी, मैं अपने लिए कह रही थी। बड़े गोरे लग रहे यार आप लोग। और बड़े बच्चों का हो चुका है, अब बारी आएगी उनसे छोटे वाले बच्चों की, मतलब बच्चे बच्चे करेंगे भैया का टीका। तो पहले बड़ी बहनें, उसके बाद छोटी बहन और उसके बाद सबसे छोटी बहन टीका होगा।
और अब हम आ गए हैं मम्मी जी के मायके, तो ऑब्वियसली मम्मी जी भी दोज करेंगी। तो यहाँ पर मम्मी सबके टीका कर रही हैं बारी बारी से। ये मम्मी के भाई हैं, तो जितने भी भाई हैं ना, तो सबके यहाँ पे जाके मतलब हम लोग मम्मी सॉरी सबका टीका करेंगी, भाई का, उसके बाद बच्चों का। तो ये है बेटी, मतलब इसका नाम सोनी है, तो मम्मी इसका भी टीका कर रही हैं। उसके बाद हम आ गए हैं दूसरे मामा जी के घर, और मम्मी यहाँ पे भी मामा जी का टीका कर रही हैं। तो पहले मामा जी का करेंगी, उसके बाद मामी जी का करेंगी, उसके बाद उनकी बेटी का करेंगी, और वहाँ सामने चारपाई पे नानी बैठी थी, मतलब मेरी मम्मी की मम्मी, बच्चा पलटन है यहाँ पे। उसके बाद हम खाना वाना खाएँगे, थोड़ा सा घूम कर लेंगे, और फिर वापस लौट जाएँगे घर। तो यही होगा आज के व्लॉग में, और यही है आज के व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना नीचे, मतलब बताओ तो यार व्लॉग अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे। कुछ कमेंट ही नहीं आते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि व्लॉग अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो अभी काजल का टीका हो रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही थी, उसका वीडियो शूट हो रहा ना इसलिए। तो ये सब हो गया, फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, और हम फिर चले गए थोड़ा सा छत पर घूमने, क्योंकि वहाँ पे घूम रहे थे ना, तो वो घर से ना चारों तरफ बढ़िया खेत और गन्ने ही गन्ने, गन्नों की मतलब गन्ने की खेती होती है, तो वो था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। हमने वहाँ के पिक्चर्स भी लिए, तो बढ़िया लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बिना लाइक किए मत जाना। और ये खेत रहे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, वहाँ पे जाके मज़ा आया क्या?